के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर का रुख करेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को मंजूरी दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को मंजूरी दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे कराने की मंजूरी जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है। हिंदू पक्षकारों की तरफ से लगातार सर्वे कराने की मांग की जा रही थी। 16 नवंबर को जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था इस पूरे मामले को लेकर के। और अब जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि मंजूरी मिल चुकी है सर्वे कराने की। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। अब बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर के बाद ये क्लियर होगा कि सर्वे जो करेगी टीम उसमें कौन कौन शामिल होगा, यानी कि पुरातत्व विभाग की तरफ से कौन कौन अधिकारी शामिल होंगे जो शाही ईदगाह मस्जिद जाएंगे और वहां पर सर्वे करेंगे, जाकर के मतलब जांचेंगे, परखेंगे, परीक्षण करेंगे वहां की दीवारों का, वहां की फर्श का, वहां के पिलर्स का, इन सब की जांच की जाएगी। और सर्वे क्यों कराया जाएगा, ताकि एज पता लगाई जा सके। एज मतलब कि आखिर कब वहां पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जब एएसआई की टीम यानी एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर जाएगी, पुरातत्व विभाग के लोग वहां पर जाएंगे और वो वहां पर सर्वे करेंगे केमिकल्स के जरिए यानी चीज़ों के जरिए वहां पर परीक्षण करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि शाही ईदगाह मस्जिद की जो दीवारें हैं, जो पिलर्स हैं, जैसा कि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दीवारों के नीचे जो है वो ऐसे कई स्तंभ मौजूद है जिनसे ये साबित हो जाएगा कि वहां पर पहले मंदिर था। ये तो सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम कृष्ण शिव, और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है और अब सनातनी, अब राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर में भगवान श्री राम पधारने वाले हैं, उसके तुरंत बाद अब एक और चीज देखिएगा, अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो ईदगाह मस्जिद है उसकी भी जांच का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने आज कृष्ण भूमि के लिए दे दिया है। इसका मतलब है एक और कदम सनातन की विजय के लिए, सत्य की विजय की ओर बढ़ गए। एक और बात बता दें, ये शुरुआत है, अभी और भी कुछ होगा जो सनातन के लिए एक विजय पथ साबित करेगा। और इसी बड़ी खबर के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, यहां रुकेंगे।